गीरा थाने की पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के जीरो पॉइंट कलेसर के पास से डीसीएम टाटा 407 से 190 पेटी अवैध हरियाणा ब्रांड शराब के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान अशोक सिंह पुत्र सुड्डा राम सिंह और संदीप पुत्र रामफल के रूप में हुई है। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि हरियाणा ब्रांड की अवैध शराब की तस्करी करने वाले सरगना जीपीआरएस के जरिए गंतव्य तक पहुंचाते हैं, जिसे मुखबिर की सूचना पर गीडा थाने की पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि दोनों चालकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो मोबाइल नंबर मिला है उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही इसके सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गीडा थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, सुशील प्रसाद, हेड कांस्टेबल राजेंद्र वर्मा, विनोद यादव और कांस्टेबल पवनेश पांडे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, ये थाना अध्यक्ष गीडा द्वारा एक अवैध शराब की अच्छी बरामदगी की गई है। 190 पेटी शराब थी, एक डीसीएम ट्रक में भरी हुई है। उसी से संबंधित ये दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आज इनको जेल भेजा जा रहा है। ये जो है हरियाणा में क्रेजी रोमियो करके एक ब्रांड आती है देसी शराब की, तो हरियाणा से कुशीनगर जनपद के लिए ले जा रहे थे। इनके कथन अनुसार माल को नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले आदमी की सूचना इनके कुशीनगर पहुंचने पे मिलती है, लेकिन चूंकि ये थाना गीडा में बीच में पकड़ लिए गए तो इनका मंसूबा जो है कामयाब नहीं हो पाया। कितने नहीं, अभी ये अमूमन बताते नहीं हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि हम केवल एक बार जो है पहली बार ही आए हैं और एक खेप के लिए दोनों बता रहे हैं कि हमको 8,000 रुपये मिलते हैं। आप सोच सकते हैं कि मतलब एक दिन के लिए, एक ट्रिप के लिए रुपये जो है ज़्यादा हैं, और पहले जो है इनके द्वारा ही इस तरह का जो है ट्रांजिट किया जाना बताया नहीं जा रहा। निश्चित रूप से बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जैसा कि आप लोग समझ ही सकते हैं कि गाड़ी में GPS लगा हुआ है, तो गाड़ी की लोकेशन उनको पता रहती है, नेक्स्ट किससे मिलना है ये सूचनाएं इनसे हाइड की जाती हैं। जो आदमी इनको जो है शराब लदवाया है उसका घर ये नहीं जानते हैं, उसका केवल मोबाइल नंबर जानते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके पीछे पूरे नेटवर्क को जो है कंगाल के और भी लोगों को जेल भेजेंगे। नंबर प्लेट भी लोग बदलते हैं, मतलब असली मालिक का पता न लगे सूचनाएं छपाने के लिए, तो वो नंबर प्लेट भी बरामद की गई है इनकी असली वाली, और उसके अनुरूप जो है धाराएँ भी बढ़ाई गई हैं मुकदमे में।